खरगोन, नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, बेरोजगार हुए ठगी का शिकार, देश सहित प्रदेश भर में बेरोजगारी की समस्या मुंह चिराते दिख रही है। ऐसे में हम आपको लिए चलते हैं खरगोन जिले में, जहां तकरीबन 3 दर्जन लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब ठगी का शिकार हुए लोग शिकायती आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आप बीती सुनाई। दरअसल खरगोन जिले के संतोष पाटीदार और योगेश बर्वे नामक दो ठगों ने गरीब बेरोजगार लोगों से सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हुए नौकरी का भरोसा दिलाया। वही समय निकलने के बावजूद संतुष्टजनक जवाब न मिलने की दशा में लोगों को पैसों की चिंता सताने लगी और शिकायती आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच गए। इस दौरान संगीता चौहान ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि तथाकथित ठगों ने बड़ी मुस्तैदी दिखाकर लाखों की लूट की है। वही मीडिया से रूबरू कला बुंदेला ने बताया कि तकरीबन 37 लोग ठगी का शिकार हुए हैं और मकान गिरवी रखकर पैसा दिया है। अब पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। बहरहाल नौकरी का भरोसा दिलाने वाले दोनों ठग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एमपी न्यूज कास्ट के लिए खरगोन से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। उसको जाके पूछा, भाई ऐसा ऐसा है, क्या हुआ? संतोष तेरे कहने पैसे दिए थे, तू आया था घर लेके? तो बोले मैडम हाँ। वो फिर बदलने लगा। मैंने कहा तूने फार्म की फ़ोटो नहीं खींचने दी? एक नहीं, दो बार फॉर्म भरे, दो बार तूने फ़ोटो नहीं खींचने दी फार्म की। बोले बाद में वो बोलता कि मैंने 1,40,000 रुपये दिए। मैंने कहा 2 साल से तो तूने नहीं बोला कि 2,40,000 रुपये तूने दिए हैं, 1,40,000 रुपये तूने दिए हैं। क्या चाहते हैं एसपी को शिकायत भी, क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं ये कि मेरे भैया के बच्चे छोटे छोटे हैं, 1 साल भर का भैया और 4 साल की गुड़िया है उनकी, तो उनके पैसे वापस दिलाए। ब्याज से ले रखे हैं वो पैसे। हाँ, तो कार्रवाई होनी चाहिए, पैसे वापस मिलने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे कैसे उसके? क्या नाम लिखता? संगीता चौहान। आप उससे पूर्व से क्या परिचित हैं? क्या? हाँ, मेरे स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, स्कूल में पढ़ता था। कितने लोग हैं इसमें शामिल? 35 लोग हैं इसमें। नहीं, ये परीक्षा लेने वाले जैसे कितने लोग हैं? ये दो ही है, परीक्षा लेने वाला यही है, संतोष पाटीदार और योगेश बर्वे। अच्छा, आपने अभी एसपी साहब को शिकायत करी है? आप लोगों ने सबने पेमेंट दिया है? कितना दिया? 2 लाख रुपये। किस पद के लिए? नर्मदा घाटी में इसके लिए नौकरी के लिए, बाबू पोस्ट। बाबू के लिए बड़वानी बोले तुम्हारी जॉइनिंग है, 26,000 सैलरी है। हाँ, वो बोले कि हमने कहा पैसे थे ही नहीं हमारे पास, बोले कुछ भी व्यवस्था कर लो, पैसे की हो जाएगी, तुम्हारे मुँह आगे थाली छिन जाएगी। मेरे बेटे से उनने ऐसा बोला। अच्छा, मुँह आगे की थाली छिन जाएगी आपकी बेटे की। हाँ, तो बोले आप कुछ भी व्यवस्था करके दे दो। बोले तो आपके 8 महीने के पैसे नहीं, तो हमने हमारे मकान की रजिस्ट्री रखी और दिए उसको पैसे 2 लाख। क्या नाम आपका? कला बुंदेला। कहाँ से आए? हमारे साथ, मैं साथ वाले को पूछ रहा हूँ। वो सर सीएमओ साहब गए थे ना? अरे सीएमओ साहब, कलेक्टर साहब तो गए थे। मैं आप लोगों का एक कोई दो एक दो लोगों द्वारा कई लोगों से ठगी की। हाँ, एप्लीकेशन उन्होंने इस तरह के शिकायत पत्र दिया है जिसकी हम जांच करवा रहे हैं। वो हमारे से उन्हें नौकरी के लिया था, बोले नर्मदा घाटी में आपके बेटे की लगा देंगे नौकरी। इस वजह संतोष पाटीदार लेके आया था, बोले आपके लग जाएगी आंटी जी नौकरी बेटे की आपकी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बोले पैसे की कुछ भी व्यवस्था कर लो आप लोग। और बोले कि तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे क्योंकि उनके पापा नहीं हैं। तो बोले कि फिर बोले पैसे कुछ भी व्यवस्था कर लो आपकी, 8 महीने में तो बोले तनख्वाह आएगी 26,000 इसकी। तो बोले कि वापस हो जाएंगे, आपके पैसे बराबर हो जाएंगे। तो मैंने मेरे मकान की रजिस्ट्री गिरवा रखी 2 लाख में और उसको दिए, घर पर आके लेके गया। नगद राशि थी? हाँ। अभी क्या नौकरी नहीं दे रहा? नहीं, अभी नौकरी का मना कर दे, 2-3 जनवरी का बोला था हमको, बोला 3 जनवरी को जॉइनिंग है और उसके बीच में भग गया। अब क्या चाहते हो? अब हमको तो बस चाहिए पैसे, चाहिए हमारे मकान गिरवा रखा हुआ है। पैसे कितने लोगों को उसने बेवकूफ बनाया? उसने तो बहुत सारे लोगों को बनाया है, बहुत है, 37 लोग है उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा कला बुंदेला। कहाँ रहते? अन्नपूर्णा नगर।